टीकाकरण के शिविर में महारानी कुंती का स्वागत है। ये मामूली सा सूत पत्र महारानी कुंती को हाथ जोड़ करके प्रणाम करता है। बेटा करण, मैं यहाँ पे अपना स्वागत या सम्मान करवाने के लिए नहीं आई हूँ। तुम तो नहीं आई, लेकिन एक सूत पत्र का तो फर्ज है कि ये महारानी कुंती एक सूत पत्र के पास चल करके आई है, तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं महारानी कुंती का स्वागत और सम्मान करूं। तुम अपने आप को बार बार सूत पुत्र कह रहे हो, ऐसा मत कहो। क्यों? मैं सूत पुत्र हूँ, सारी दुनिया कहती है, मैं क्या कह रहा हूँ? सारी दुनिया कहती है, लेकिन तुम नहीं जानते बेटा सच्चाई क्या है। आज ये महारानी कुंती तुम्हारे द्वार पे आई है तो किसी कारण आई है। किस कारण आई है? तो मैं अपने जीवन की एक सच्चाई बताने के लिए आई हूँ। जो खुद सूत पुत्र है, जो टुकड़ों पर जी रहा है, टुकड़ों पर आज तक जी रहा है, उसके क्या जीवन की सच्चाई होगी? सच्चाई है, जिस सच्चाई को तुम नहीं जानते वो सच्चाई बताना चाहती हूँ तुम्हें। और वो भी महारानी कुंती सच्चाई बताएगी? हाँ। एक सूत पुत्र के जीवन की सच्चाई? हाँ बेटा। सच्चाई बता दो, मेरी बात सुनो। कहिए। सुनिए। डक के हाथ जोड़ प्रणाम करे तुझे, अरे ये राधा सुतदानी तुम्हारा प्रणाम स्वीकार है बेटा, लेकिन सच्चाई क्या है? क्या है? माता कह के बोल लाडले समझना आता। दिल पे बाहरी चोट लगी मेरा फटा मार जा जाता। दिल पे बाहरी चोट लगी मेरा फटा मार जा जाता। मन सर नीचा क्यों कर रखा? माता कह के बोल लाडले
बात पर गर्व होगा कि तुम महाराज पांडु की महारानी हो, कुंती महारानी हो। मामूली से सूत पुत्र को छोटी छोटी बातों में बहकाने के लिए आई हो? नहीं, मैं तुम्हें बहकाना नहीं चाहती बेटा। तुम जानती हो मेरे पिता कौन है? कौन है? मुझे किस पिता का पुत्र कहा जाता है? तुम्हें कहा किसी भी पिता का पुत्र जाता हो, लेकिन सच्चाई मैं जानती हूँ। मुझे पता है कि तुम्हारी असली माँ कौन है और कौन तुम्हारे असली पिता है। असली माँ हो सकता है कि जन्म देते समय कई माँ ऐसी होती हैं कि जो बेटा बेटी को जन्म देते समय जीवन से हाथ धो बैठती हैं, वो भगवान के घर चली जाती हैं, इस दुनिया को छोड़ जाती हैं। हो सकता है कि मेरी भी घटना यही होगी। मेरी माँ जन्म देते समय किसी परिस्थिति में जो कि भगवान की प्यारी हो गई हो। तुम्हारी माँ, लेकिन अगर ये भी हो गया होगा तो वेद और शास्त्रों में इस बात का प्रमाण भी है। क्या? कि बाल नमक हो सकता जब हर की ठीक निगाह हो से। बाल नमक हो सकता जो हर की ठीक निगाह हो से। ममता के आंचल के बढ़ के दूजी खोने अच्छा हो से। माँ के प्यार में कोई पुत्र ना छोटा और बड़ा हो से। और जन्म देनिया अगर मरे तो वो पालनिया भी माँ हो से। तुम्हारी माँ मरी नहीं बल्कि तुम्हारे सामने खड़ी हुई है बेटा। मैं ही तुम्हारी असली माँ हूँ। सुनो, मेरी माँ कौन है, मेरे पिता कौन है? कौन है? मैं बताता हूँ, सुनिए। सच्चाई है? यही सच्चाई है। तुमने पेट फाड़ के मुझे जन्म दिया? राधा ने तुम्हें जन्म नहीं दिया बेटा, इस कुंती ने जन्म दिया है। जब तुमने जन्म दिया तो एक जवाब और चाहिए। क्या? तेरी छाती फटी नहीं, तेरी छाती फटी नहीं, तने क्यों गर्म ठुकराया। मैंने तुम्हें जन्म तो दे दिया लेकिन तुम्हारा पालन पोषण नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मजबूरी थी। क्या मजबूरी थी? कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। कुआरी ने पैदा करके तू गंगा बीच बहाया। तेरे जैसी आज तड़के, तेरे जैसी आज तड़के, नाचे थी बेटे खड़ी। माता कह के बोल दिलावन आई। अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावन आई। अपने दिल के टुकड़े ने मैं आज मनावन आई। अरे मेरे दिल पे चीरा दे, मेरे दिल पे चीरा दे, तू तो नमक
लगावण आई। पांचों पांडव तेरे भाई में न्यू समझावण आई। माता कह के बोल लाडला खुट के से तेरी वाणी। माता कह के बोल लाडले खुट के से तेरी फिर मैं तेरा बेटा हूँ तो उस दिन क्यों ना बनी माँ? किस दिन बेटा? द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा था और स्वयंवर में द्रौपदी ने मेरे से एक सवाल किया था। क्या? कि मेरे एक सवाल का उत्तर दे दे और मीन बींद करके मुझे ब्याह लेना। वो प्रश्न क्या था? क्या था? राजा द्रौपदी ने सभा के बीच बड़े बड़े योद्धाओं को बुलाया और शर्त रखी कि जो तेल के कढ़ाई में मीन की छाया देख करके मीन की आंख बींधेगा वो मेरी द्रौपदी का मेरी बेटी का वर होगा। पराक्रम दिखाया, किसी से मीन ना बंधी। कई योद्धा जो राजा ने बंदी बना करके कैद कर लिए, जेल में डाल दिए, भरी सभा का अपमान किया, लगता है कि भूमंडल वीरों से खाली हो गया। इतना सुनकर के मैं खड़ा हुआ, मैंने धनुष उठाया, धनुष पर तीर चढ़ाया, आगे को कदम बढ़ाया, मीन को बींदना चाहा, लेकिन द्रौपदी एकदम से बीच सभा के अंदर आकर के एक प्रश्न पूछने लगी। क्या? कह मीन बींधने वाले जरा ठहर, मीन बींध लेना, मुझे ब्याह लेना, लेकिन एक प्रश्न का जवाब दे दे कि मैं तेरे साथ में शादी कर लूंगी। तू बाण को थाम बता पहले कि मैं तेरे साथ में शादी कर लूंगी। तू बाण को थाम बता पहले, कौन कहां का रहने वाला, भेद खोल तमाम बता पहले, और फिर बींदिए मीन मुझे, अपने माँ बाप का नाम बता पहले, अपने माँ बाप का नाम बता पहले। उस दिन क्यों ना बनी माँ? और उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे? उस दिन क्यों ना बनी माँ जब दुनिया ने ठुकराया मुझे? सूत पुत्र कहकर के गुरु द्रोण ने धमकाया मुझे, आगे बढ़ के दुर्योधन ने छाती से लगाया मुझे, शूद्र नहीं राजा अंग देश का बनाया मुझे। उस दिन बनती माँ? मैं जानती हूँ कि मेरे कारण तुम्हें बहुत बड़ी बेइज्जती सहनी पड़ी बेटा, लेकिन मैं मजबूर थी। कुछ मांगने के लिए आई हो? मांगना चाहती हो? हाँ। दिल खोल करके मांगो, इतना लंबा चौड़ा इतिहास गाने की क्या जरूरत है? सुनिए मेरी बात। कहिए। कोई खाली ना लौटाया, भीख घाल दे झोली में मने या पल्ला फैलाया। भीख घाल दे झोली में मने या पल्ला फैलाया। जो मांगोगी वही मिलेगा, लेकिन एक काम नहीं करूंगा। कौन सा काम? मैं दुर्योधन का साथ ना छोड़ू, दुर्योधन का साथ ना छोड़ू, मांग ले और बकाया। नहीं बेटा, मैं यही कहना चाहती हूँ तुमसे। क्या? कि तुम दुर्योधन का साथ छोड़कर मेरे साथ चलो। महारानी कुंती, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकता। तुम्हें दुर्योधन का साथ छोड़ना होगा। मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा।
अगर तुम दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ सकते बेटा, हाँ। तो तुम्हारे सामने एक माँ खड़ी हुई है खड़ी और झोली फैलाकर भीख मांगती है। मांगो। कि जो तुम्हारे पास गुरु परशुराम के दिए हुए पांच बाण हैं, जिन पांच बाणों पे तूने मेरे पांच बेटों का नाम लिख रखा है, उन पांच बाणों का मुझे दे दे बेटा और मेरे बेटों की जान बख्श दे, और कुछ नहीं चाहिए तुझसे बेटा। गुरु परशुराम की दी हुई वो शक्ति तुम्हें चाहिए? हाँ। तुम्हें पांचों बेटों के प्राणों की भीख का दान चाहिए? हाँ बेटा। तुमने दान तो ठीक नहीं मांगा, लेकिन जाओ जाओ ये करण, महारानी कुंती गुरु परशुराम की दी हुई वो वरदानों की शक्ति, वो पांच बाण तुम्हें दान में देता हूं। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद। लेकिन एक बात समझ नहीं आती। क्या बेटा? एक दर्द है मेरे सीने में। कौन सा दर्द? इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई है? इतने दिन के बाद मेरे पे क्यों दान मांगने आई है? जिन बाणों पे कर मुझे वो बाण मांगने आई है? कितने बेटे हैं तेरे? छह बेटे हैं मेरे। जब छह बेटे हैं तेरे, पांच के क्यों प्राण मांगने आई है? और बाणों का तो जिक्र करन की तू जान मांगने आई है। नहीं, मैं तुम्हारी जान नहीं मांगना चाहती। अगर तुम दुर्योधन का साथ छोड़ने को तैयार होते तो मुझे इन बाणों की जरूरत नहीं पड़ती बेटा। मैं दुर्योधन का साथ ना छोड़ूं, जा मांग ले और बकाया मेरे बेटों की जान बकस दे।